वहीं लालू यादव की विशेष दूत बनकर राबड़ी देवी दिल्ली से पटना आई हैं और दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद राबड़ी सीधे तेज प्रताप यादव के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों भाइयों यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं और इसी को सुलझाने को लेकर राबड़ी लालू प्रसाद के कहने पर पटना आई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव के तेवर बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे फैसले उन्होंने पार्टी के खिलाफ लिए हैं जिससे कहीं ना कहीं आरजेडी का हित प्रभावित हो रहा है। तेज प्रताप ने अपना अलग अलग छात्र संगठन बना लिया है, साथ ही परिवार के बारे में उनके कुछ बयान राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। तेज प्रताप ने कांग्रेस नेता अशोक राम से मुलाकात की, जिसके बाद अशोक राम ने यह दावा किया कि तेज प्रताप का छात्र संगठन कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव में मदद करेगा। इन बातों के बीच आरजेडी नेतृत्व में तेज प्रताप के कदमों को लेकर नाराजगी थी। इसके बाद आरजेडी ने इस उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के लिस्ट से तेज प्रताप का नाम बाहर कर दिया। इन तमाम बातों को लेकर आज राबड़ी देवी पहुंची पटना और दोनों भाइयों में जो कलह बढ़ती जा रही है उसे सुलझाने की कोशिश मां राबड़ी देवी की तरफ से की जा रही है। हालांकि राबड़ी देवी ने दोनों भाइयों के बीच कलह की बात से इनकार किया और ये कहा कि एनडीए में ही लड़ाई चल रही है। मैडम लालू जी कैसे हैं? तबीयत कैसी है? बहुत दिन बाद आ पाई हैं। अच्छा, कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे। मैम दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या करेंगे? अच्छा, बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। अच्छा, जीतेंगे दो? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अरुण, इस प्रकार जिस तरह आरजेडी में लगातार विवाद की बातें सामने आ रही है और सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा, ऐसे में राबड़ी देवी के पटना आगमन से क्या ये जो झगड़ा है, ये जो लड़ाई चल रही है जिससे साफ तौर पर आरजेडी समक्ष आकर प्रत्यक्ष आकर इनकार कर रही है लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा, क्या ये लड़ाई सुलझ पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से राबड़ी देवी काफ़ी दिनों से दिल्ली में थी, चूँकि लालू यादव जेल से निकले हैं और वो भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं, तो दिल्ली में ही आराम कर रहे हैं और राबड़ी देवी काफ़ी दिनों से वहीं थी। और इस बीच उनके जो दो लाल हैं तेज तेजस्वी, इनके बीच सह और मात का खेल चल रहा है। और जैसा कि इस अभी जो बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उस दौरान जब राजद की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई और उसमें तेज प्रताप के नहीं रहने, लिस्ट में नाम नहीं रहने के बाद जिस तरह से तेज प्रताप ने टिप्पणी की थी, तो दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर सहमत का खेल चल रहा था। हालांकि दोनों खुलकर एक दूसरे पर के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, लेकिन परोक्ष तरीके से कई बार तेज प्रताप ने तेजस्वी पर और राजद परिवार पर हमला बोला था। ऐसे में जब राबड़ी देवी दिल्ली से पटना लौटी तो उन्हें लगा कि ये जो सहमत का खेल चल रहा, उनके बच्चों के बीच जो विवाद बढ़ रहा है वो आगे ना बढ़े, इसके लिए उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि दिल्ली से लौटने के बाद वो सीधे तेज प्रताप के घर गई। हालांकि तेज प्रताप से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, लेकिन राबड़ी देवी के इस कदम के बाद तेज प्रताप के जो सुर हैं उसमें नरमी दिख रही है। यही वजह है कि जब रात में, जो आज तेज प्रताप एक यात्रा निकाल रहे हैं, जेपी की जो जन्मदिन है उसके अवसर पर एक यात्रा पैदल मार्च निकाल रहे हैं, इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से जब बात की और इस दौरान ना तो उन्होंने राजद पर कोई तीखा हमला किया और परिवार के बारे में भी किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने जो चुनाव, जो दो विधानसभा का हो रहा है उपचुनाव, उसमें भी प्रचार नहीं करने की बात कही, जबकि इससे पहले वो अशोक राम जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मुलाकात की थी और कांग्रेस के प्रत्याशी उनके बेटे को सहयोग करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तेज प्रताप इस चुनाव में प्रचार नहीं करने की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप की जो बातें हैं, उनके जो सुर हैं उसमें नरमी आई है। और जब मीडिया ने सवाल किया कि नवरात्रा में उनका क्या वो मांग करते हैं, माँ से क्या कामना करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उनके जो विरोधी हैं वो भी, और हम दोनों भाई को माँ ऐसी सद्बुद्धि दे कि किसी तरह का विवाद ना हमारे परिवार में हो और ना ही विरोधी हम पर किसी तरह का टीका टिप्पणी कर सकें। तो ऐसा माना जाता है कि तेज प्रताप के सुर में नरमी आई है और जब 20 अक्टूबर को लालू यादव आएंगे तो ऐसी उम्मीद है कि उनके हस्तक्षेप के बाद ये जो सहमत का खेल चल रहा है शायद उसमें कमी आवे या कम पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।